वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2021 में जो जारी की गई है उस मॉडल सेट क्लास ट्वेल्थ मैथ का मैं मॉडल सेट टू का दूसरा लेक्चर पार्ट टू लेकर के आ चुका हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है मॉडल पेपर उसमें सेट वन मैथ का ट्वेल्थ का मैं टोटल वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकेंगे। और मैं मॉडल सेट टू मॉडल पेपर का मैं दूसरा पार्ट आज लेकर के आया हूं जो कि 6 नंबर से क्वेश्चन है। तो आप लोग आए जुड़े तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखें इसे, ये डिटरमिनेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स देख बाबू यहाँ पर क्या है, सारणिक का मान निकालने का रहा है बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी। तो कहता है इसका वैल्यू फाइंड द वैल्यू दिस डिटर्मिनेंट। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, एट फर्स्ट देखिए इसको हम आर वन कहते हैं, इसको आर टू कहते हैं और इसको क्या करते हैं आर थ्री कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें ध्यान दीजिएगा, आर वन में आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री करते हैं, यानी R1 में ये R1 में R2 प्लस R3 को जोड़ करके घटाते हैं। देखो बाबू सारणिक को डेल्टा से सूचित किया जाता है, तो क्या कर रहे हैं R1 में, R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है बी प्लस सी, अब देखो माइनस हो रहा है क्या R2 प्लस R3, तो इसका R2 देखो R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 तो इसका जो R2 हुआ बी और R3 हुआ सी, तो ये क्या है R2 प्लस R3 यानी बी प्लस सी हो गया, ठीक ना। फिर देखो इसकी आर वन का वैल्यू ये है दूसरा पार्ट के लिए ए हो गया, फिर माइनस क्या है आर टू प्लस आर थ्री, आर टू क्या है देखो ये सी प्लस ए और प्लस ये क्या है सी है प्लस सी का, ठीक। फिर देखो फिर क्या है आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री, तो आर वन इसमें क्या है देखो ए माइनस क्या हो रहा है आर टू प्लस आर थ्री, आर टू का वैल्यू क्या है देखो बी प्लस आर थ्री, आर थ्री का वैल्यू क्या है ए प्लस बी, अब देखो बी सी प्लस ए फिर क्या है बी, ठीक ना, फिर देखो सी फिर क्या है सी फिर क्या है ए प्लस बी। अब देखो बाबू यहां देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको कर दिए। फिर उसी प्रकार देखो इसमें भी कर दिए, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कर दिए बाबू। अब देखो इसी प्रकार प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो अब देखो ये कर दिए। अब ध्यान दो बाबू ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, ये माइनस सी और प्लस सी कैंसिल, ये देखो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल, ये देखो बाबू ये माइनस सी माइनस सी कैंसिल नहीं होगा। अब देखो इसमें ये देखो माइनस ए और इस सॉरी माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करेंगे आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे जीरो हो गया बाबू, जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस सी क्या हो गया माइनस टू सी हो गया, यहाँ पे देखो माइनस बी क्या हो गया माइनस टू बी हो गया। अब देखो बाबू बी है, फिर देखो सी प्लस ए है, फिर क्या है बी है, फिर क्या है देखो सी है, फिर क्या है सी है, फिर क्या है ए प्लस बी। अब देखो ऑपरेटिंग कर देते हैं बाबू, ध्यान देना ये इससे जीरो लिए फर्स्ट स्टेप, अब देखो दिखाई दे रही है ना, देखिए दिखाई दे रही है ना, ध्यान दीजिएगा जीरो लिए देखिए दिखाई दे रही है ना जीरो लिए, अब ध्यान दीजिए जीरो लिए तो ये टर्म और ये टर्म ढकाएगा तो क्या हो जाएगा सी प्लस ए सी, फिर क्या हो जाएगा बी ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। फिर देखिएगा अब बीच में माइनस होता है तो यहाँ माइनस टू सी लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू सी, तो टू सी जब लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा तो बी सी और फिर क्या होगा बी ए प्लस बी होगा बी ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस टू भी है माइनस टू भी ले लिए, अब देखिएगा या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ढकाएगा और ये ढकाएगा तो बी सी, उसके बाद सी प्लस ए और क्या है सी है सी कर दिए, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब देखिए बाबू कोई दिक्कत तो नहीं हो रही दिखाई दे रही ना, अब देख बाबू जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल जीरो से गुना हो जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये तो जीरो हो जाएगा फिर प्लस टू सी है तो प्लस टू सी कर दिए। अब देखो बाबू बी इंटू ए तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, फिर देखो बी इंटू बी प्लस है बी स्क्वायर,
फिर देखो माइनस होता है बी इंटू सी, माइनस क्या हो गया बी सी। यहाँ देखो बाबू बी इंटू ए, ए बी हो गया, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, बी इंटू सी, बी सी, बीच में माइनस होगा। अब देखो यहाँ माइनस टू बी है, माइनस टू बी कर दिए। फिर देखो बाबू बी इंटू सी क्या हो जाएगा बी सी। अब देखो बाबू बीच में माइनस होता है, माइनस कर दिए, सी इंटू सी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। फिर देखिए ए इंटू सी माइनस ए सी, यानी सी ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस होता है, माइनस चला गया। आप देखिए तो देखिए टू सी इंटू ए बी, तो क्या हो गया टू ए बी सी। फिर देखिए टू सी इंटू बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा टू बी स्क्वायर सी हो जाएगा, टू सी इंटू बी स्क्वायर तो टू बी स्क्वायर सी। फिर देखिए टू सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा माइनस टू बी सी स्क्वायर, ठीक ना, टू सी इंटू बी तो टू माइनस टू बी सी स्क्वायर होगा। अब देखिए बी माइनस टू बी इंटू बी सी माइनस टू बी स्क्वायर सी हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए टू बी इंटू सी स्क्वायर तो टू बी सी स्क्वायर। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टू बी इंटू सी तो टू ए बी सी। अब देखो बाबू यहाँ प्लस टू बी स्क्वायर सी है और यहाँ पे माइनस टू बी स्क्वायर सी कैंसिल, यहाँ माइनस टू बी सी स्क्वायर है, ये प्लस टू बी सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया देखो बाबू टू ए बी सी, यहाँ प्लस बच गया टू ए बी सी। अब देखा जाए टू ए बी सी, टू ए बी सी क्या हो गया फोर ए बी सी आंसर, अर्थात इसका जो आंसर हुआ ये हो गया। आप लोग को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, चलिए मिटा रहे हैं। समझ, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करेंगे। सात नंबर का क्वेश्चन चालू करते हैं, छः नंबर तक बता दिए हैं। देखो बाबू कह रहा है क्या, प्रूव दैट वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो सबसे पहले देखो बाबू एल एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू क्या, वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो क्या करते हैं, ये आर वन हो गया, ये आर टू हो गया, ये आर थ्री, तो आर वन में आर वन माइनस आर टू एंड आर टू में आर टू माइनस आर थ्री की, आर टू माइनस आर थ्री, तो ये आर वन हुआ, ये आर टू हुआ, ये आर थ्री। तो देख बाबू आर वन माइनस आर टू, तो देख वन माइनस वन, वन माइनस वन ए माइनस बी, यानी आर वन ये हो गया, आर टू ये हो गया। फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर देख बाबू आर टू ये हुआ, आर थ्री ये, आर टू माइनस आर थ्री हो रहा है वन माइनस वन, फिर देख बाबू बी माइनस सी, फिर देख बाबू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर वन सी सी स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो और ये वन हो गया, ये ए माइनस बी, ये बी माइनस सी और ये सी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, फिर क्या है सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो आर वन से ए माइनस बी कॉमन लेने पर, आर टू से बी माइनस सी कॉमन लेने पर, तो यहाँ लिख देते हैं आर वन से ए माइनस बी तथा आर टू से बी माइनस सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, ठीक ना, ए माइनस बी से कॉमन ले लिए बाबू, ए माइनस बी कॉमन ले लिए, देखो ए माइनस बी कॉमन ले लिए, इसे बी माइनस सी कॉमन ले लिए, तो मेरे पास क्या बच गया जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन ये तो कॉमन ले लिए ए माइनस बी, तो यहां पे बच गया वन। यहां देखो ए माइनस बी कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी बच गया इसी का, फिर देखो यहां से बी माइनस सी कॉमन ले लिए हैं तो यहां पे क्या बच गया वन, यहां से बी माइनस सी कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच गया है बी प्लस सी, फिर देखो क्या है बाबू सी और सी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर। अब देखो ऑपरेटिंग कर देते हैं सी वन से, तो देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, ध्यान देना फर्स्ट स्टेप जीरो तो टोटल जीरो हो जाएगा, सेकंड स्टेप भी जीरो टोटल जीरो हो जाएगा, थर्ड स्टेप क्या है वन, तो वन जब लेंगे तो ये ढकाएगा और ये ढकाएगा वन वन, देखो ए प्लस बी, फिर क्या है बी प्लस सी, ध्यान देना बाबू तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, अब गुना हो जाएगा बी प्लस सी गुना एक तो बी प्लस सी, बीच में माइनस होता है, अब देखो एक गुना ए, ए फिर देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी, तो अब देखो बाबू यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो क्या हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, यही तो प्रूव करना था।
तो देखो ये प्रूव्ड हो गया, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर की ओर बता चुके हैं। देखिए कह रहा है कि अवकल विधि से 0.999 टू दी पावर 1/10 का मान ज्ञात करें। ये आपका अप्रोक्सीमेशन का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, देखो बाबू ध्यान देना, यानी एफ 0.999 है ना। तो सबसे पहले 0.99 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बाबू थोड़ी देखिए, हम इसको लिख सकते हैं एफ 1-0.001, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों कि देखो 1.000 ले लो और 0.001 ले लो, तो देखो बाबू इससे एक पैसा ले लो, तो एक दाई 10, 10 में से क्या 9, यहाँ 9, यहाँ 9 बच गया, तो 0.991। तो इसका मतलब 1-, यानी 0.99 को हम लिख सकते हैं 1-0.001 लिख सकते हैं। तो अब देखो अप्रोक्सीमेशन का सूत्र होता है, ध्यान देना बाबू, अप्रोक्सीमेशन का सूत्र होता है यानी वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स होता है। तो वाई देखो बाबू यहाँ वाई जो हो रहा है, ध्यान देना बाबू सभी स्टूडेंट्स, वाई इज इक्वल टू यहाँ चूंकि क्या दिया 0.99 टू द पावर 1/10 दिया है, यानी 0.999 टू द पावर क्या दिया 1/10, तो हम इसको लिख सकते हैं 1-0.001 टू द पावर 1/10। तो यहाँ देख बाबू ये जो हो गया y, ये जो टर्म है x के रूप में है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1/10, यानी ये जो हो गया 1 वो आपका x टू द पावर 1/10, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 1 हो रहा है। और डेल्टा x यानी जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन ये हो जाता है -0.001 हो गया। तो सबसे पहले बाबू अब ये अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो वाई होता है सबसे पहले देखिए अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन इज इक्वल टू जो होता है वाई, वाई का वैल्यू क्या है एक्स टू द पावर 1/10 है ना, फिर प्लस होता है, प्लस कर दिए, फिर क्या होता है देखिए डी वाई टू डी एक्स, तो डी वाई का वैल्यू की देखिए वाई का वैल्यू क्या है एक्स टू द पावर 1/10, एक्स टू द पावर 1/10 बाय डी एक्स इंटू क्या होता है देखिए डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मान कितना है देखिए डेल्टा एक्स का मान -0.001, चूंकि इसमें माइनस है इसलिए माइनस ले लिया। अब देखो एक्स टू द पावर 1/10 इसका मतलब हो जाएगा 1 टू द पावर 1/10। अब देखो बाबू प्लस एक्स टू द पावर 1/10 का डिफरेंशिएशन, तो हम जानते हैं एक्स टू द पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 1/10 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 1/10 -1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ गुना क्या है -0.001, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, ये हो गया 0.001, ये माइनस यहाँ कर दिए। अब देख बाबू 1 टू द पावर 1/10, तो ये 1 ही होगा माइनस, अब देखो क्या है 1/10, फिर क्या है एक्स टू द पावर 1/10 -1, तो एक्स टू द पावर देखो बाबू 10 नहीं कुछ तो नीचे 1, 10 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 10, अब देखो बाबू 10 × 1 यानी 1-10 इंटू क्या है 0.001, अब देखो 1-1/10, अब देखो 1 में से 10 घटेगा क्या बचेगा, 1 में से 10 घटेगा तो -9 बच जाएगा, तो -9 हो गया। तो अब देखो x पे पावर, आप लोग सभी विद्यार्थी जानते होंगे x टू द पावर -m को लिख सकते हैं 1/x^m, तो x पे पावर -9/10 है, हम इसको लिख सकते हैं 1/x^9/10 लिख सकते हैं। अब इंटू क्या है 0.001 है, अब देखो 1-1/10 इंटू, अब देखो 1 इसको लिख सकते हैं x^1/10 to the power 9 लिख सकते हैं ना, अब इंटू क्या है 0.001 है, अब देखो 1-1/10 इंटू x^1/10 का मान कितना है 1, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 टू द पावर 1/10 पे पावर 9 लिख सकते हैं ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये फिर तो एक ही ना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो टर्म हो गया बाबू, ये आपका जो टर्म हो गया यानी ये टोटल टर्म यानी एक ही हो गया, क्योंकि x^1/10 के रूप में है और यानी 0.001 है। अब देखो ये पॉइंट को नीचे कर दो, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये पॉइंट को कर दिए, अब देखो 1-1/1 है पावर, 1 पावर कुछ है एक ही होगा, तो 10 × 1000 यानी 10000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10000। अब 1/10000 बराबर क्या होगा 1-0.0001,
क्योंकि चार अंक के बाद पॉइंट आएगा, अब माइनस कर देंगे, एक माइनस 0.1, तो यह देखो 1 × 10 = 0.1 होगा, तो ये हो जाएगा 0.9999 आंसर। समझ गए आप लोग? देखिए ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या एक वर्ग की भुजा की बढ़ने की दर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसके परिमिति के बढ़ने की दर ज्ञात करें। तो यानी माना कि भुजा, माना कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर x, तो प्रश्न से जो कह रहा है, प्रश्न से डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। तो अब देखो कहता है इसके परिमिति की बढ़ने की दर, तो वर्ग की परिमिति या वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा होता है ना, तो परिमाप को मान लो c, ठीक है ना, 4 × x, भुजा माने हैं x, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 dx बाई क्या हो गया dt। अब देखो बाबू डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 dx/dt, dx/dt का वैल्यू क्या है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 × 8 यानी dc/dt इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अर्थात वर्ग की भुजा की जो वृद्धि की दर है 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। चलिए बाबू अब देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बताएं कि फलन fx = x²-4x+3 निम्नलिखित x के मानों पर वर्धमान है या ह्रासमान है, यानी x = 1 पर और x = 3 पर ये वर्धमान है या ह्रासमान है, इसको जांच करना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, फंक्शन को देखते हैं, चूंकि fx = क्या है फंक्शन आपका x²-4x+3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वर्धमान एवं ह्रासमान के लिए, फलन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f'x इज इक्वल टू dx²/dx-4 dx/dx प्लस कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, तो f'x इज इक्वल टू x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 2x, dx कैंसिल -4। अब देखिए ये डिफ्रेंशिएशन dc हो गया, अब यहाँ मेरे पास पहला नंबर में क्या है x = 1 है, तो f बैठाएंगे x = 1, तो यहाँ देखिए f'1 बैठाएंगे, तो 2 × 1 - 4, तो देखो f'1 इज इक्वल टू 2 × 1 = 2 - 4 - 2 हो गया, तो f'1 इज लेस देन 0, क्योंकि -2 जो है वो 0 से क्या है छोटा है, -2 जो है 0 से छोटा है, तो f'1 इज लेस देन 0, इसलिए x = 1 पर फलन ह्रासमान है, क्या है ह्रासमान है, यानी कमी को दर्शा रहा है, ठीक ना। चलिए फिर क्या दिया है x = 3, दूसरा नंबर x = 3 पर जांच करेंगे, तो f'x = क्या है, देखिए f'x = क्या आया है 2x - 4, देखो f'x का वैल्यू क्या है 3, तो 2 × 3 - 4, तो f'3 इज इक्वल टू 2 × 6 = 6 - 4 = 2, f'3 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 क्या है 0 से बड़ा है, तो f'3 इज ग्रेटर देन 0, तो इसलिए x = 3 पर फलन वर्धमान है, फलन क्या है वर्धमान है। समझिएगा, चलिए स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। चलिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए तो चलिए देखिए 11 नंबर का मैं बताने जा रहा हूं, बिहार बोर्ड मॉडल सेट 12th का, ठीक ना। करा dy/dx निकाले y = ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखो बाबू y = क्या √sin x + √sin x इसका मतलब फिर ये जो टर्म चल रहा है y के रूप में चल रहा है, तो अब देखो ये √sin x + y होगा, ये रूट हटेगा इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो y² = क्या हो जाएगा sin x + y। तो देखो वो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy² / dy/dx इज इक्वल टू, अब देख dsin x + dy/dx हो गया। तो अब देख बाबू y² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2y हो जाएगा dy/dx। अब देखो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos x, प्लस फिर क्या है dy/dx है, तो 2y
डी वाई बटे डी एक्स, अब देखो इसको इधर लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स। देखो ये प्लस में था, इधर लेते हैं, अब देखो डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लिए, क्या बच गया टू वाई माइनस वन इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई, ये डिवाइड हो जाएगा टू वाई माइनस वन, इट इज आंसर। तो डी वाई डी एक्स वैल्यू हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में यही, वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करेंगे तो, और बताएंगे ज़रूर आप लोग, और दोस्तों को भी बताएंगे इस चैनल के बारे में। आप लोगों के लिए रेगुलर वी वी आई क्वेश्चन क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ का लेकर के आ रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका पहला पार्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर चुका हूं, एक से लेकर के ये सात नंबर तक का क्वेश्चन को मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी आप लोगों को, पांच तक का क्वेश्चन बताएं वो मिल जाएगी आप लोगों को, और साथ ही साथ आप लोग जुड़े रहेंगे इस चैनल से। थैंक्स।